योगो ही प्रभावाप्य हो, योगो भवति दुखा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। अयम तो परमा धर्म है यत योगेन आत्मदर्शनम्, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, योग समाधि योग समाधानम। पूरा समाधान हो जाता है, सारी अशुद्धियाँ दूर होती जाती है तन की मन की, और आप पवित्र होते चले जाते, परम पावन हो जाते, और अंततः आप नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते, और आपका पिंड का इस ब्रह्मांडगत दिव्य शक्तियों के साथ जो अज्ञात अमूर्त शक्तियाँ हैं उनके साथ आपका संपर्क हो जाता है, और सारी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, फिर आपको शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मानसिक आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ और सबल बनाने में। और एक योग का बहुत बड़ा ऐश्वर्य उसको विभूति का है, एक तो योग है समाधि, पहला जो पाद है योग दर्शन का वो समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, योग के सारे साधन चाहे वो क्रिया योग अष्टांग योग वो सब आपके सिद्ध होते, फिर विभूति आपको योग का ऐश्वर्य मिलता है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और अंततः फिर आपको कैवल्य मोक्ष प्रति प्रसव हो जाता है सब रोगों का विकारों का। सबसे बड़ा तप है प्राणायाम परम तप, प्राणायाम परम तप सबसे बड़ी औषधि है प्राण। अलग अलग केमिकल्स अवसार मौसम में अलग अलग जड़ी बूटी औषधियों वनस्पतियों में अलग अलग प्रकार के फूड ग्रेन्स में अलग अलग प्रकार की शक्ति है, वो सारी शक्ति का आधार वो प्राण है।